राजधानी के विद्याधर नगर थाना इलाके में तेज रफ्तार ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। यहां अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। कावंटिया हॉस्पिटल के पास जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, वहां बाइक बैठा युवक उसके नीचे दब गया। इसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया और सूचना मिलने पर पहुंचे विद्याधर नगर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस के ने दबे हुए युवक को बाहर निकाला, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। जानकारी के अनुसार बंबाला पुलिया का रहने वाला मनीष अपनी पत्नी को शास्त्री नगर के संत जयाचार्य कॉलेज में परीक्षा दिलाने आया था और इसके बाद वो एक पेड़ की छाया में बाइक पर बैठकर पत्नी का इंतजार करने लगा। तेज रफ्तार में आ रही बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी और उसके नीचे मनीष दब गया। सिविल डिफेंस और पुलिस टीम ने मनीष को बाहर तो निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि मनीष घर में इकलौता था और प्राइवेट नौकरी कर परिवार के 8 लोगों का भरण पोषण करता था। आज सुबह करीब 7:30 बजे की घटना है। विद्याधर नगर थाना इलाके में कांवटिया रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक जो है बड़ी तेज गति से लेके आ रहा था, असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। उसमें बजरी भरी हुई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली के और बजरी के नीचे एक युवक दब गया। जिस सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस और जन सहयोग से जो है उसको निकाला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।